मुहर्रम में शादी भी अभी किया करें। मुहर्रम में शादी के बहुत सारे फायदे हैं, एक ये कि बरकत होगी इंशाल्लाह, मुहर्रम का महीना है। दूसरा फायदा ये कि बिदत की, जो लोग समझते हैं मुहर्रम में शादी गलत है तो बिदत की मुखालफत होगी, इसका अलग से सवाब मिलेगा। तीसरा फायदा ये कि मुहर्रम में शादी हॉल सस्ते होते हैं। तुम्हारा एक जुमला जो लोगों में झगड़ा करवा सकता है, तुम्हारा एक जुमला 70 साल मेंबरों से मौला अली को बुरा भला कहा गया, ज़बान का गुनाह था। जिन लोगों को तमीज नहीं थी, ये ज़बान इताअत खुदा के लिए बनी है, मुखालफत परवरदिगार आलम के लिए नहीं। जो आज ज़बान यज़ीद की हिमायत में निकल रही है, ये गुनाह किसका है? ज़बान का गुनाह है। आज नारे बुलंद किए जा रहे हैं, भाई मुहर्रम में शादियां करो। मशहूर मुफ्ती है, मुफ्ती से ज्यादा टिकटॉकर है, वो कहते शादियां करो मुहर्रम में, और फायदे की निवारा है। शादी मॉल सस्ते होते हैं, इकोनॉमिकली फायदे। दूसरा, शादी करोगे सवाब मिलेगा, बिदअत खत्म हो जाएगी। ये कौन बोल रहा है? इसके ऊपर नफ्स का हमला है। यानी जो दिन में 5 मरतबा नबी का कलमा पढ़े और उसे पता भी हो कि इन 10 दिनों में नबी का घर उजड़ा है, कुछ भी नहीं हो इंसानियत के नाते, तुम्हारे नबी की नवासियों को उजाड़ दे, बच्चियों को तमाचे लगे। हदीस से है कि नबी रोए थे, क्याम आसमा से मनसूब, इतनी हदीस है। लेकिन जब इंसान गुमराह होता है तो जबान से ऐसी बातें करता है, यानी अपनी दुनिया में लानत को दावत देता है कि आ मेरे ऊपर बरस। ऐसे लोग, किसी का बाप मर जाए कि अपनी बेटी की शादी करवाएगा उसने, और किसी ने अच्छा लिखा था अगर तुम्हारा बाप मर जाए ना उस दिन अपनी बेटी की शादी करवा, उस दिन भी तुम्हारा खर्चा नहीं होगा, बड़ी सादगी से शादी होगी। लबे कुरान से इन लोगों पे लानत उतरी, इनकी नस्लों में अली से न मोहब्बत उतरी, लानतुल्लाह अला अदाइका।